अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं महक रुबाब कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है बड़ी खास है। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि अफोर्डेबल फाउंडेशन आप कौन से यूज़ कर सकती हैं, फुल कवरेज के लिए या नॉर्मल रूटीन के लिए। तो आज जो है मैं आपको मल्टीपल फाउंडेशन दिखाने वाली हूँ जो आप आसानी से जो है मार्केट से बाय कर सकती हैं और अफोर्डेबल भी हैं, आप अपने इवेंट के अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, जो नए लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो अफोर्डेबल फाउंडेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये मिस रोज़ का ट्यूब वाला फाउंडेशन। इसका मैं बॉटल वाला और ट्यूब वाला दोनों ही आपको रेकमेंड करूँगी। बॉटल वाला थोड़ा सा जो है ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है ट्यूब वाले के निस्बत। ये जो है कंसिस्टेंसी में बहुत ही ज़्यादा लाइट है, इतना ज़्यादा थिक नहीं है। आपने इसको जो है लिटिल क्वांटिटी लेनी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाह रही हैं तो ये फाउंडेशन बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए, लेकिन अगर आप स्पेशल ओकेजन के लिए भी ट्राई करना चाहती हैं तो ये फाउंडेशन जो है 6 से 8 घंटे तक आसानी से जो है स्टे करता है। इसको मैं अपने एक शूट के लिए भी मॉडल के ऊपर यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और 8 घंटे तक जो है ये फाउंडेशन बिल्कुल सेट रहा था, ख़राब नहीं हुआ था। आप इसको स्पेशल ओकेजन और जो है अपने नॉर्मल रूटीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फाउंडेशन ब्राइडल मेकअप के लिए यूज़ नहीं होता, इसको आप ब्राइडल मेकअप के लिए यूज़ नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप स्पेशल ओकेजन या अपने रेगुलर बेसिस यूज़ के लिए इसको कर रही हैं तो यूज़ कर सकती हैं। इसको आपने जो है एक और हम लेयर लगाए थे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इसकी जो है फिनिश कैसी आती है। एक लेयर के बाद ही फाउंडेशन कुछ इस तरह से नज़र आता है। जब हम दूसरी लेयर लगाएंगे तो हमें जो है एक थोड़ा सा और प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेगा और हमारे जो है अंडर आई एरिया एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से कवर होंगे। मैं अप्लाई कर रही हूँ ये है APK का एलोवेरा फाउंडेशन। ये मेरा मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन है। इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहती हैं तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकती हैं। ये वो फाउंडेशन है जिसको अप्लाई करने से आपको बम्पी स्किन नहीं होती, आपको एक्नी नहीं होता, इवन अगर आपकी स्किन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है तो उसको भी हील करती है। इसको जो है आपने अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करना है और इसकी जो है कंसिस्टेंसी मिस रोज़ की कंसिस्टेंसी जैसी ही है, सेम टू सेम, लेकिन जो है ये आपको क्वांटिटी में उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है सेम प्राइस में। और आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो और अगर आपने फ्रेशनेस वाला कोई लुक चाहिए हो तो इसको ट्राई कर सकते हो। इससे भी आप ब्राइडल मेकअप नहीं कर सकते हो, इसको आप जो है नॉर्मल रूटीन मेकअप और या फिर आप इसको स्पेशल ओकेजन के लिए ट्राई कर सकते हो डबल लेयर लगाकर, लेकिन ब्राइडल मेकअप के लिए ये फाउंडेशन बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं रहेंगे अगर आप जो है प्रोफेशनल ब्राइडल बेस कोई ढूंढ रहे हैं तो। APK का एलोवेरा फाउंडेशन जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन इसका एक और फाउंडेशन है एक्सप्रेस फाउंडेशन। वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रीसी फाउंडेशन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप जो है वो एक्सप्रेस फाउंडेशन ट्राई कर सकती हैं, लेकिन वो ऑक्सीडाइज बहुत होता है, ये वाला ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप ये वाले फाउंडेशन यूज़ करें, लेकिन साथ में जो है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप सीरम वगैरह या फेस ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर लें तो फिर बड़ा सही रहेगा मामला। ओके, ये है HD बेस और ये बहुत ज़्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन है। इसके शेड को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि ये शेड थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन से, लेकिन आप कवरेज पर ध्यान दो। कवरेज की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ताकि आप अपने जितनी कवरेज वाला फाउंडेशन आपको चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग आप फैसला ले सको। ये जो है बहुत ज़्यादा थिक फाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा जो है आपको अप्लाई करने में भी थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होगी, तो आपने जो है ऐसे अप्लाई करना है, इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, तब जाके ये हर जगह इक्वली अप्लाई होगा। वरना अगर आपने ज़्यादा अपना हाथ का प्रेशर फाउंडेशन पे लगाया तो ये जो है हटना शुरू होगा और अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा और पैचेस वाला पड़ जाएगा। तो ब्राइडल मेकअप के लिए आप ये वाला फाउंडेशन अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जो है हैवी पार्टी मेकअप हो गया या हैवी ब्राइडल मेकअप हो गया तो ये वाला फाउंडेशन बड़ा अच्छा है ऑप्शन में। फुल कवरेज है, आप देख सकते हो मेरा तिल तक बहुत अच्छे से जो है कवर हुआ हुआ है। सो आई विल रेकमेंड यू टू ट्राई दिस फाउंडेशन। ये पाकिस्तानी ब्रांड का फाउंडेशन है। सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से देख लीजिएगा। सो कवरेज देखो, इसके जो है शेड को इग्नोर करो, शेड थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन से, बट अदरवाइज इट्स फाइन। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। दूसरी तरफ मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस एट का फाउंडेशन। इसका भी शेड थोड़ा सा लाइट है, बट दैट्स फाइन। ये जो है कंसिस्टेंसी में बड़ा लाइट है, लेकिन ये कवरेज बड़ी अच्छी देता है। ये मैट फाउंडेशन हैं, ये दोनों ही मैट हैं। अभी आपको बहुत ज़्यादा शाइनी लग रहे होंगे, बट अप्लाई करने के बाद ये मैट हो जाते हैं, जबकि इससे पहले वाले जो है थोड़े से शाइनी थे तो उसको पाउडर से सेट करना पड़ता है।
सो ये जो है बहुत ही अच्छे कवरेज देता है। अब ये एक लेयर में आपको इतनी अच्छी कवरेज देगा, अगर देखा जाए तो दोनों के शेड सेम है, बट मेरे स्किन से एक टोन जो है ये लाइट है। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लीजिएगा। इन सब फाउंडेशन में जो है आपको शेड मिल जाएंगे, तो बेहतर है कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लें। अगर आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है तो एक टोन लाइटर लें। ये दोनों फाउंडेशन जो है ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। इन सब में आपको कलर्स की बड़ी रेंज मिलेगी, अफोर्डेबल है, मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। फेस एड का फाउंडेशन भी आप जो है ब्राइडल्स पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने डबल लेयर अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके सेट रहेगा। ये जो है मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है, जबकि पिछले वाले जो थे वो मीडियम टू लाइट कवरेज फाउंडेशन थे। सो आप दोनों की जो है फिनिश देख सकते हैं, कितना प्यारा फिनिश आया है। एंड या दोज आर द अफोर्डेबल फाउंडेशंस। ओके जनाब, आज वीडियो में यही था। अभी जो मेकअप मैंने किया हुआ है वो लास्ट जो फाउंडेशन यूज़ किए थे उसी के ऊपर किया हुआ है। इस तरफ HD फाउंडेशन है फुल कवरेज वाला, और इस तरफ जो है फेस एड का फाउंडेशन है। मैंने जो है इसको कवर अप करने के लिए अपने स्किन टोन का फेस पाउडर अप्लाई किया था, तो जाके मेरे नेक और जो है फेस के साथ ये फाउंडेशन मैच हो रहा है। तो मेकअप करके कुछ इस तरह से इसका लुक आता है। आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बाहर जो है लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा जो है फुल कवरेज फाउंडेशन वाली जो है सीरीज भी मैं निकालूंगी। फिलहाल इस वीडियो को देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। दिस इज मी महक रुबाब कादरी, सिंगल लव टू यू ऑल, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।